वेलकम टू सोशल। हमारे सिनेमा में हम कई चीजें स्टीरियोटाइप करके दिखाते हैं, उनमें से सबसे कॉमन है फॉरेन एक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन। दे आर मोस्टली शोन एज डम्ब और एट टाइम्स प्योरली ईविल। बहुत रेयरली ही ऐसी फिल्म्स रही हैं जहां उनकी रिप्रेजेंटेशन को ऑथेंटिक वे में दिखाया गया है। इस वीडियो में हम उन फॉरेन एक्टर्स के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने इंडियन फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस दी हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वी वॉन्ट बी इंक्लूडिंग पाकिस्तानी एक्टर्स एज फॉरेन एक्टर्स इन दिस वीडियो, एज दे आर फेमिलियर विद आवर फिल्म्स एंड लैंग्वेज। सो इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं एक्टर्स को शोकेस करेंगे जो टोटली इंडियन ऑडियंस के लिए अननोन थे, और अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने सबको इम्प्रेस कर दिया था। यू आर गोइंग टू सी ब्रिटिश एक्टर्स, अमेरिकन एक्टर्स, फ्रेंच एंड इवन अ नाइजेरियन एक्टर इन दिस वीडियो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तुम नहीं समझोगे, मेरी आधी जिंदगी यहीं काटी है, बाकी भी यहीं काटेगी, अब मैं यहीं कहूँ, फिर भी चुपचाप देखते रहे। नंबर 10, क्लाइव स्टैंडन इन नमस्ते लंदन। नमस्ते लंदन में कैटरीना कैफ के बॉयफ्रेंड का रोल क्लाइव स्टैंडन प्ले करते हैं। ही शोन एज सावन हु लव्स हिज गर्लफ्रेंड, पर इंडियंस के बारे में वो काफी बैकवर्ड सोच रखता है। इट वाज नॉट द बेस्ट रिटन फॉरेन कैरेक्टर्स, बट स्टिल इट वाज बेटर देन अ लॉट। क्लाइव एक ब्रिटिश एक्टर है जिन्होंने फिल्म से ज्यादा टेलीविजन शोज में काम किया है। अगर आपने वाइकिंग्स देखा है तो आपने उन्हें रोलो के कैरेक्टर में नोटिस किया होगा। इसके अलावा एक्शन मूवी टेकन से इंस्पायर्ड टेलीविजन सीरीज में भी क्लाइव लीड रोल प्ले करते हैं। Yes, sir. It's not just a land of snake charmers. It's also a land of chicken tandoori and corsetters. Number 9, India Jarvis in Kilometers and Kilometers. This is a 2020 released Malayalam film जिसमें हम ट्रैवलिंग से जुड़ी स्टोरीलाइन देखते हैं। फिल्म में एक टूरिस्ट गाइड एक अमेरिकन ट्रैवलर से मिलता है और दोनों एक जर्नी डिस्कवर करते हैं। फिल्म में इंडिया जार्विस कैथी का रोल प्ले करती हैं, जो फिल्म का लीडिंग फीमेल कैरेक्टर है। इस वीडियो के बाकी फॉरेन एक्टर्स से इंडिया जार्विस की स्टोरी सबसे अलग है। जार्विस ने इससे पहले कोई भी फिल्म नहीं की थी। किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स टर्न्ड आउट टू बी हर डेब्यू फिल्म। सो इमेजिन प्लेइंग अ लीडिंग रोल इन अ डेब्यू फिल्म व्हिच इज नॉट इवन इन योर मदर टंग। इसलिए वी फील कि इंडिया भी एक मेंशन डिजर्व करती है। आप में से बहुत लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी होगी एंड वी रिकमेंड कि आप इसको नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें। Shall we move? Well, it's working. Let's go. Number 8, Alice Patton in Rang De Basanti. रंग दे बसंती में सू का कैरेक्टर आप सबको याद होगा। सू इंडिया में आके फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर एक फिल्म बनाना चाहती हैं और इसी नैरेटिव से रंग दे बसंती की शुरुआत होती है। सू का कैरेक्टर एलिस पैटन ने प्ले किया था, जो एक ब्रिटिश एक्ट्रेस हैं। रंग दे बसंती में सभी के कैरेक्टर स्टैंड आउट करते हैं और उनमें से सू भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बॉलीवुड में यूजुअली काफी क्लीशे वे में फॉरेन एक्टर्स को दिखाया जाता है, बट इन रंग दे बसंती हर कैरेक्टर लुक्ड वेरी ऑथेंटिक। वी बिलीव कि इसी फिल्म के बाद से बॉलीवुड में फॉरेन एक्टर्स को भी इम्पोर्टेंट रोल्स में कास्ट करने का ट्रेंड शुरू हुआ था। तो तुम बताओ कहाँ मिलेगा मुझे मेरा बिस्मिल। नंबर 7, जेम्स कॉस्मो इन जग में थंदीराम। जग में थंदीराम में जेम्स कॉस्मो एक विलन का कैरेक्टर प्ले करते हैं। इफ यू डोंट नो, जेम्स कॉस्मो इज अ वेरी रिप्यूटेड एक्टर जो बहुत सी आइकॉनिक फिल्म्स का पार्ट रहे हैं। ब्रेव हार्ट, ट्रॉय, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, गेम ऑफ थ्रोन्स उनके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स रहे हैं जिनमें आपने भी उन्हें नोटिस किया होगा। जेम्स कॉस्मो इज सो लेजेंडरी दैट ही हैज एक्टेड इन मोर देन 200 फिल्म्स, और वो आज भी हर साल कई प्रोजेक्ट्स करते हैं। जग में थंदीराम में वो पीटर स्प्रॉट का रोल प्ले करते हैं, जिसे इमिग्रेंट से नफरत होती है। हालांकि उनका कैरेक्टर कोई उतना परफेक्शन से नहीं लिखा गया था, बट ही स्टिल मैनेज्ड टू प्ले दिस रोल विद परफेक्शन। वी डोंट नीड एनी मोर इमिग्रेंट्स। मुझे नहीं, उनको भागना चाहिए। अन्ना बताओ बाहर से मैं आया हूं या वो। नंबर 6, सैमुअल अबियोला रॉबिन्सन इन सुडानी फ्रॉम नाइजीरिया। वी आर श्योर कि आप में से इस एक्टर को रेयरली ही कोई जानता होगा। सैमुअल एक नाइजीरियन एक्टर हैं जिन्होंने मलयालम फिल्म सुडानी फ्रॉम नाइजीरिया में लीडिंग रोल प्ले किया था। ये फिल्म एक फुटबॉल कोच और उसके प्लेयर की कहानी दिखाती है, जहां एक इंजरी के बाद कोच उसका ख्याल रखता है। सैमुअल ने ही फिल्म में फुटबॉल प्लेयर का रोल प्ले किया है, जिसे नाइजीरिया से लाया जाता है। उनके कैरेक्टर को मलयालम समझ नहीं आती है और ना ही उसके साथ के लोगों को उसकी इंग्लिश समझ आती है। सो आप आइडिया लगा सकते हैं कि पूरा कैरेक्टर सिर्फ गेस्चर्स और एक्सप्रेशंस पर डिपेंडेंट था। बॉलीवुड में ऑलरेडी अफ्रीकन कैरेक्टर्स को एक रेसिस्ट या मीडियोकर वे में दिखाया जाता है, बट इन मलयालम सिनेमा दिस अप्रोच हैज चेंज्ड। सैमुअल अभी नाइजीरियन सिनेमा में फिल्म्स करते हैं, और ये कितनी रेयर बात है कि किसी नाइजीरियन एक्टर ने हमारी इंडियन फिल्म में एक मेन कैरेक्टर प्ले किया है। वी रिकमेंड कि आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म्स ऑफ वी, एंड वी हाईली रिकमेंड यू टू वॉच इट। गुड, नाउ जेंटलमैन, यू मीन आई एम ओनली गुड दिस जस्ट
No matter. Number 5, Senthil Ramamurthy in Chor in the City. बॉलीवुड में रेयरली ही ऐसा होता है कि किसी एनआरआई कैरेक्टर के लिए रियलिटी में एक इंडियन ओरिजिन का फॉरेन एक्टर लिया जाए। ज्यादातर हम अपनी फिल्म्स में एनआरआई किसी को भी दिखा देते हैं और उनकी एक्टिंग बहुत क्रिंजी लगती है। फिल्म शोर इन द सिटी में सेंथिल रामामूर्ति को कास्ट किया गया जो फिल्म में एक एनआरआई कैरेक्टर प्ले करते हैं। उनके कैरेक्टर का नाम अभय होता है जो इंडिया के करप्शन और इसके सिस्टम की वर्किंग से परेशान हो चुका है। उनके लुक्स हों या उनके डायलॉग्स या उनके सिचुएशंस को समझने का तरीका, सेंथिल ने इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से प्ले किया था। फिल्म को राज एंड डीके ने बनाया है जो द फैमिली मैन के मेकर्स है, सो एटलीस्ट दे न्यू कि इस कैरेक्टर के लिए कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं चाहिए था। सेंथिल इज अ पॉपुलर एक्टर इन द US जहां उन्हें कई टीवी शोज में देखा गया है। रिसेंटली रिलीज्ड नेवर हैव आई एवर सीरीज में भी वो देवी के फादर का रोल प्ले करते हैं। समझा नहीं, कुछ बेच रहे हो? आई नो वेरी गुड इंग्लिश, इफ यू लाइक वी टॉक इंग्लिश। नो इट्स फाइन, कोई बात नहीं। Number 4, Mehdi Nebu in English Vinglish. English Vinglish is a heartwarming film and we all loved every character that was featured in it. फिल्म में हम श्रीदेवी जी को शशि के रोल में देखते हैं जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आता है और इसके लिए वो क्लासेस लेना शुरू करती है। उसी इंग्लिश क्लास में उसकी मुलाकात लॉरेन से होती है जो एक फ्रेंच है। लॉरेन को भी शशि की तरह इंग्लिश नहीं आती है, सो दे बोथ स्टार्ट टू कनेक्ट विद ईच अदर विद व्हाटएवर इंग्लिश दे नो। इस रोल को फ्रेंच एक्टर मेहदी नेबो ने प्ले किया था। Lauren was such a lovable character that sometimes you feel bad for him that even after liking Shashi, he was never able to express his feelings. This explains ki unka role kitna logically likha gaya tha and he knew how to portray it on screen. It is so rare to see ki ek Bollywood film mein hum ek aisi lovable attraction dekhne ko mili jahan dono characters ko na ek dusre ki language samajh aati hai aur dono culturally ek dusre se bahut alag hain. Mehdi around 80 films aur TV shows kar chuke hain which explains that he is a renowned actor in his country. Unhone Leonardo DiCaprio ke sath bhi ek film mein kaam kiya hai. Film ka naam Body of Lies tha. Number 3, Evelyn Edwards in Mimi. Mimi का response काफी अच्छा रहा है, जहां majority of audience को film बहुत पसंद आई है। Film में कृति सैनन ने अपनी best performance दी है, and as usual, Pankaj जी again creates his magic. इसके अलावा film में समर का character बहुत important part play करता है। समर ही वो होती है जो मिमी को सरोगेसी के लिए अप्रोच करती है एंड वी गेट टू नो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ हर लाइफ। सबसे ज्यादा जिस चीज ने ऑडियंस को समर से कनेक्ट किया था वो थी उनकी हिंदी। इट वॉज सो गुड टू सी अ फीमेल फॉरेन एक्टर स्पीकिंग हिंदी इन सच अ फाइन मैनर। एवलिन की परफॉर्मेंस इसीलिए सबको पसंद आई है और अगर इस कैरेक्टर को डबिंग के थ्रू दिखाया जाता तो ऑडियंस इसे बिल्कुल भी कनेक्ट ना कर पाती। डिड यू ऑल्सो लाइक हर परफॉर्मेंस इन मिमी? डू लेट अस नो इन द कॉमेंट्स। आपको बच्चा नहीं चाहिए, पगला गए हो क्या? नंबर 2, टोबी स्टीफन्स इन मंगल पांडे। फिल्म मंगल पांडे एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जिसके लिए आमिर खान ने 4 साल तक प्रिपेयर किया था। वी ऑल नो आमिर इज अ परफेक्शनिस्ट, बट उनके अलावा भी फिल्म में एक फॉरेन एक्टर था जिसने अपने रोल को बहुत मेथड और रिसर्च के साथ प्ले किया था। ब्रिटिश एक्टर टोबी स्टीफन्स फिल्म में कैप्टन गॉर्डन के रोल में नजर आते हैं एंड वी ऑल फील हिज परफॉर्मेंस हैज बीन ओवरलुक्ड। मंगल पांडे आज कोई इतनी पॉपुलर फिल्म नहीं रही है, सो माइट बी द केस कि लोगों ने इस फिल्म को देखा ही नहीं है। इन आवर ओपिनियन टोबी की परफॉर्मेंस बहुत ही अमेजिंग थी। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है देन यू शुड एटलीस्ट वॉच अ फ्यू सीन्स ऑफ इट। आपको उन सीन्स को देखकर ही आइडिया हो जाएगा दैट व्हाई वी हैव केप्ट टोबी इन द नंबर 2 स्पॉट। तुम नहीं समझोगे, मेरी आधी जिंदगी यहीं काटी है, बाकी भी यहीं काटेगी, अब मैं यहीं कहूं फिर भी चुपचाप देखते रहे। नंबर 1, पॉल बैक थ्रोन इन लगान। लगान एक मास्टरपीस फिल्म है जिसका हर एक कैरेक्टर अपने आप में ही आइकॉनिक है। फिल्म में प्री इंडिपेंडेंस एरा दिखाया गया है जहां हमें क्रिकेट मैच से जुड़ी कहानी देखने को मिलती है। इस फिल्म में कैप्टन एंड्रयू रसेल का कैरेक्टर आज भी पॉपुलर है जहां उनका ये डायलॉग आपने जरूर सुना होगा। ट्रिपल टैक्स यानी 3 गुना लगान देगा। ठीक है, कैप्टन रसेल का रोल इंग्लिश एक्टर पॉल बैकथ्रोन ने प्ले किया है और उन्होंने बिल्कुल टॉप नॉच परफॉर्मेंस दी है। लगान से पहले भी हमने कई प्री इंडिपेंडेंस एरा से जुड़ी फिल्म्स देखी हैं, पर उनमें फॉरेन एक्टर्स को बस एक ही सुपरफिशियल तरीके से दिखाया जाता था। या तो वो लोगों को मारते हुए नजर आते थे या फिर उन्हें एक ईविल विलन के तौर पर दिखाया जाता था। लगान में भी कैप्टन रसेल को एक विलन कहा जा सकता था, बट इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर फिल्म्स वी हैड सीन बिफोर। कैप्टन रसेल में बहुत ईगो होती है और उसे लगता है कि वो गांव वालों को आराम से क्रिकेट में हरा देगा, इसीलिए वो बहुत खुशी से 2 सालों का लगान माफ करने की बात करता है। रसेल के कैरेक्टर की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो अपने वर्ड से नहीं उतरता है।
और आखिर में अपनी हार भी मानता है। पॉल ने फिल्म के लिए हिंदी भी सीखी थी और एक टेक में इतने लंबे डायलॉग्स बोलना किसी भी फॉरेन एक्टर के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। पॉल हैड प्लेड दिस कैरेक्टर टू सच अ परफेक्शन कि आज भी हमें फिल्म देखते हुए कैप्टन रसल पर गुस्सा आता है और जब वो हारता है तो सभी गाँव वालों के साथ हमें भी जीतने की फीलिंग आती है। That is why this is one of the best characters we have seen in Bollywood, जहाँ एक foreign actor ने सबको impress कर दिया था। British Raj Hindustan ke barish se nahi nahata Rajaji, pichle saal aad lagan bhi maine apke kanabar kabul kata wo bhi daddy se। Video khatam karne se pehle aap hamein bataein ki in actors mein se aapki favorite performance kiski rahi hai। Iske alawa now you can also suggest ki hum kaun se topics par listing video banaye। If your idea is good then we will definitely make a video on that topic sooner than later or maybe later than sooner। So don't forget to drop your comments on this video। We are always excited to see your genuine and healthy discussion in the comment section। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म एंड एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।